देखिए दोस्तों, पाराधर का शुद्ध पानी, शुद्ध जल, ये देखिए यहाँ से आते हुए। ताइया आपके लिए पकौड़े बना के लाई है, ये बधाई है। पकौड़ धन्यवाद कर दो ताई को, धन्यवाद कर दो। ये देखिए, ये है लड़की जो बिल्लियों पे करती है अत्याचार। हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि हम छीड़ में हमने कैसे मस्ती की और घर पहुँचे, और घर पहुँचते दोस्तों हालत ख़राब हो गई थकान से। चूर अभी मैं जस्ट घर पहुँचा हूँ और नहाया है और पैरों में हो रहा है दोस्तों बहुत दर्द, और हमारा दोस्तों खाना लग चुका है। तो ये देखिए, ये आ गया दही, और ये हरी सब्जी, ये मिर्ची, और ये है दाल और चावल, और साथ में रोटी। तो अब इसको दोस्तों करते हैं एंजॉय, और अंकिता भी लिया है अपना खाना, तो साथ में दोनों बैठ के खाते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद बाकी बातें दोस्तों हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है। लेकिन नहा के और अभी बेड में बैठ के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और पैरों में भी दर्द हो गया था। तो खाना खाते हैं और फिर बाद में आपसे घर चलना करते हैं। तो गुड इवनिंग दोस्तों, और देखिए बादलों से पूरा घिर चुका है आसमान, और किसी वक्त बारिश हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे कुछ आग वाग लगाई होगी तो उसका धुआं निकल रहा है। और तो दोस्तों आपको अब देखिए गैस करना है किचन में। देखिए दोस्तों एक चीज़ की कमी है, तो आप लोगों को गैस करना है किस चीज़ की कमी है। और किचन बड़ी साफ़ है, तो किचन को आज धोया था। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, तो हमारा जो सिलेंडर है वो चला गया है, तो किचन अब लग रहा है दोस्तों काफ़ी खाली खाली। और मैं आपको कमरा भी दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ से भी जो हमारे बैग वैग पड़े रहते थे वो भी क्लोज हो गए हैं, तो वो भी चले गए हैं। तो काफ़ी खाली खाली घर लग रहा है, तो उतना अच्छा लग नहीं रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा एक बैग था, तो वो भी हमने ऊपर पहुँचा दिया। तो ये सब दोस्तों इसलिए किया क्योंकि अब हमारा जाने का वक्त आ गया है घर से। तो दोस्तों अब हमारा लगभग 40 दिन के आसपास हम इस घर पे रहे, तो अब हम वापस, हमें हल्द्वानी जाना है, तो इस वजह से सारा बैग वैग हमने समेट के ऊपर पहुंचा दिया है, जो हम लगेज लाए थे। और किचन में भी जो हमने सिलेंडर लिया था तो पिनारी से लिया था, तो वहां पहुंचा दिया है। तो पहुँचाए क्या मतलब, ऊपर गाड़ी तक रख दिया है, और अब कल जब हम जाएंगे तो उसको अपने साथ पिनारी तक ले जाएंगे और वहाँ छोड़ देंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लंबा सफ़र रहा, और बहुत ही मज़ेदार, काफ़ी हमने इन्जॉय किया, आपको भी इन्जॉय कराया और बहुत अच्छा लगा। तो जो लास्ट वीडियो में आपने देखा, तो तब मैंने सोचा कि अभी आए हैं तो छीड़ भी घूमाते, क्योंकि बहुत मुश्किल से समय मिलता है, और छीड़ में क्या है, एक आध बंदों के साथ मज़ा नहीं आता। अगर एक दो बंदे जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता, उसमें पूरे ग्रुप में जाना पड़ता है, तो ग्रुप होना बहुत काफ़ी कठिन हो जाता है, कभी कभार कोई बिजी हो जाता है। तो आज सबको मौका था, सब मिले, तो सब लोग हम छीड़ देख आए थे। तो यही है दोस्तों, अभी लाइट चली गई है, और अभी हम आज पाराधर पानी भरने भी जाएंगे, तो लास्ट बार आपको पाराधर भी दिखा देंगे पानी भरते हुए। और कल यहाँ से प्रस्थान है, तो उतना अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन अब जाना तो है ही घर की तरफ। और वैसे तो कुछ सब सेम ही है, कुछ ऐसे खाली वाली नहीं हुआ है, बेड वेड सब वही है, सब देखिए सामान, लेकिन बैग वैग ऊपर पहुंचा दिए, जो हमारे कपड़े के बैग दोस्तों यहाँ पे रहते थे, तो उसकी वजह से घर थोड़ा खाली खाली लग रहा है। तो यहाँ भी देखिए आपको खुद लग जाएगा यहाँ पे थोड़ा खाली खाली, ये बर्तन भी थोड़े समेट दिए, इनको सबको बक्से में रख देंगे हम, और ऐसा कुछ है, ये देखिए कट्टे वट्टे भी निकाल दिए। और चलिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए पूरे बादलों ने घेर रखा है। और ये भी थोड़ा बहुत दुखी है कल हल्द्वानी जाने के लिए, और पापा का भी थोड़ा मन कम है हल्द्वानी जाने के लिए, उनका भी यहाँ अच्छा मन लग रहा है यहाँ, क्योंकि बढ़िया मौसम है, ठंडा मौसम है। देखिए यहाँ पे बड़े मज़ेदार तरीके से वो यूट्यूब या वीडियो का इन्जॉय ले रहे हैं, लेकिन मैया की वजह से, मैया के आदेश की वजह से, मैया का थोड़ा यहाँ मन उतना ज़्यादा लगा नहीं, तो इस वजह से जाना पड़ रहा है। मैया का चेहरा देखो इतना खुश हो रखा है, कल हम वापिस जा रहे हैं हल्द्वानी, तो मैया प्रफुल्लित हो रखी है, खुश हो रखी है, तो बाकी चेहरे देख सकते हैं आप, दुखी ये और एक चेहरा ये,
और मैया ने आज खुशी के मारे एक पंखा भी लगा दिया है। ये देखिए चेहरे में इतनी मुस्कुराहट है। तो दोस्तों पाराधर निकल गए हैं हम पानी लेने, और यहाँ पे हम बचा हुआ पानी यहाँ पे खाली कर रहे हैं। और देखिए बादल लगे हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। दगड़ू आगे जाते हुए, एक दगड़ू पीछे जाते हुए वीडियो बना रहे। तो दोस्तों ये है खूबसूरत हमारा पाराधर का रास्ता, और ये देखिए गांव की सीमा को पार करते हुए हम लोग जा रहे हैं पाराधर। तो दोस्तों पाराधर में पानी भरने जाना, पाराधर से पानी भर के आना, तो जो दिनचर्या में बहुत याद आएगी। तो हमारी दिन में ये पूरे सुबह से शाम में, दिन में दो बार हम करते थे, सुबह भी जाते थे शाम को भी जाते थे। और देखिए वहाँ पे पीछे पाराधर, और ये देखिए खेत यहाँ हरे भरे हो रहे हैं, और यहाँ कहीं कहीं धुआं आ रहा है, तो आग लगाई होगी थोड़ी छोटे मोटे एरिया में, क्योंकि देखिए अब धान का भी समय आ गया है, भट का भी समय आ गया है, तो खेतों में काम जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुका है। और बूंदाबांदी भी होते हुए और हम पहुंचने वाले पाराधर। ये देखिए केले का पेड़ हम कर रहे हैं पार, यहाँ पे देखिए केले की घड़ी लग रही है, और यहाँ पे केले की घड़ी लग चुकी है। ये देखिए पूरा मुड़ गया, ये देखिए पेड़ भी टूट रहा है, ये तो हल्का केला भी पकना इसमें स्टार्ट हो गया है। तो हमारी दोस्त पानी के बर्तन ले जा रही है, पाराधर हम पहुँच चुके हैं, अब भरेंगे यहाँ से पानी और फिर वापस पहुंचेंगे अपने गांव की ओर, और सबको पिलाएंगे ठंडा पाराधर का पानी। तो दोस्तों ये गलियां, ये रास्ते हमें महसूस होंगे काफ़ी समय तक, और ये पानी की हमें काफ़ी समय तक याद आएगी। और ये देखिए ऐसे यहाँ पे हल्का पानी बह रहा है, तो ये देखिए आज पानी का थोड़ा बहाव ज़्यादा है। देखिए दोस्तों पाराधर का शुद्ध पानी, शुद्ध जल, ये देखिए यहाँ से आते हुए, ये देखिए पाइप से नीचे आते हुए बहते हुए, तो ये सारे पल हम मिस करेंगे, और उम्मीद है आप लोगों को भी याद आएंगे सारे पल। तो दोस्तों अगर ऐसे सारे पल, खूबसूरत पल, पहाड़ों की जीवन आपको दोबारा हमसे देखना है, तो उसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आपको हमारा वीडियो शेयर करना होगा, और ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सब लोग सब्सक्राइब करें। तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्यार देंगे और कमेंट में लिखेंगे, तो हम बहुत जल्द इस जगह में दोबारा आएंगे और आपको ऐसी खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत पानी, खूबसूरत जल, खूबसूरत झरने, खूबसूरत छीड़, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए तितली उड़ते हुए। तो उसके लिए दोस्तों बस जो आपको बोला है वो चीज़ करनी है आपको, वीडियो को शेयर करना है, और सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बस पानी बोतलों में भर गया, ये देखिए कितना ठंडा पानी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एकदम फ्रिज जैसा ठंडा पानी है। तो पानी भरते हैं और बस चलते हैं वापसी की ओर। तो आज दोस्तों कोई आया नहीं क्योंकि हम पहले आ गए थोड़ा, क्योंकि अभी मौसम ठीक हो रहा है और बादल लगे, हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो हम पहले आ गए, और थोड़ा आज घूम भी आएंगे शाम को, थोड़ा एक आध चक्कर टहल लेंगे, और फिर दोस्तों कल वापसी है। तो आज जितना घूम सकते हैं, जितना आपको दिखा सकते हैं और जितना खुद देख सकते हैं उतना देखेंगे, और बाकी वीडियो में बने रहिएगा।